राजसमंद जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति जुंडा में हुए चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सरपंच मिठू सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चुनाव निरस्त करने का साथ ही चुनाव अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सरपंच चौहान ने बताया कि चुनाव के दौरान 3 नामांकन निरस्त होने के साथ ही नानालाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, जबकि गणेशलाल जाट भी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी ने करीब 12:15 बजे निर्वाचित घोषित किया, जबकि 12:36 पर अन्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के फार्म निरस्त किए गए। इसमें साफ जाहिर होता है चुनाव के दौरान धांधली की गई है। ज्ञापन में बताया कि चुनाव में 12 सदस्यों में से खेमराज गुर्जर भोरीराम के आवेदन के बिना किसी आपत्ति के निरस्त कर दिए गए, जबकि वार्ड 3 नारायण लाल माली, वार्ड 8 से चंचल पालीवाल का फार्म निरस्त कर दिया गया। इसके चलते कतिपय लोगों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी कुबेर सिंह पर मिलीभगत के आरोप लगाए। साथ ही ग्राम सेवा सरकारी समिति जुनुदा के ऋण वितरण में गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड जब्त करने, चुनाव निरस्त करने, नए चुनाव होते हुए जीएसएस पर ताला जड़ने और जीएसएस के समस्त आय व्यय का रिकॉर्ड जब्त करने की मांग की गई। चाहे जोनदा की सहकारी समिति जोनदा के चुनाव में दिनांक 6/9 को सदस्य के फार्म भरवाए गए थे, उसमें चुनाव अधिकारी के द्वारा सहकारी समिति के व्यवस्थापक एवं स्टाफ से मिलकर मिलीभगत करते हुए मन मर्जी से हमारे सदस्यों के फार्म बिना किसी कारण के निरस्त किए गए। 16/9 को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उनके चाहते गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फार्म रख लिए गए और बाकी के फार्म सारे ही निरस्त कर दिए गए, जिसमें कोई ठोस कारण नहीं था। और 12:10 पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचित कर नोटिस चस्पा कर दिया गया और 12:36 पर फिर बाकी के फार्म थे उनको निरस्त किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव अधिकारी ने मिलकर ये फर्जी तरीके से चुनाव कराया है। इसलिए ग्रामवासियों की मांग है कि चुनाव अधिकारी को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चुनाव वापस करवाया जाए और सहकारी समिति में जो घोटाले चल रहे हैं उनकी स्पष्ट जाँच की जाए।